कॉस्मेट्स, ये काफी इम्पोर्टेंट है। कॉस्मेट्स इनमें क्या होता है, देखो आपके जो भी ये नाम होते हैं, फाजमिट्स होते हैं, फेजमिट्स होते हैं, कॉस्मेट्स होते हैं, ये सब ऐसे वेक्टर्स के नाम है जिनमें प्लाज्मिड तो डाला ही गया है। प्लाज्मिड यानी बैक्टीरिया का वेक्टर तो डाला ही गया है, बैक्टीरिया का प्लाज्मिड तो इंसर्ट किया ही है, साथ में कुछ और चीज इंसर्ट की गई है। तो यहाँ पे मिड जो टर्म आ रही है वो आ रही है प्लाज्मिड के यहाँ से, और जो बाकी का चीज है वो कुछ एडिशनल चीज डाली गई है कॉस। तो यहाँ पे कॉस साइट्स इंसर्ट कर दी गई है प्लाज्मिड में, यानी आर्टिफिशियली ऐसे वेक्टर्स बनाए गए जिनके अंदर प्लाज्मिड के साथ साथ कॉस साइट्स हो। तो कॉस साइट्स इनके अंदर प्रेजेंट होती है। अब ये कॉस साइट्स आई कहाँ से, लैम्डा फाज के जीनोम से, जो अभी हमने डिस्कस किया। तो उनके जीनोम से कॉस साइट्स आई और साथ में प्लाज्मिड के साथ इंसर्ट कर दी गई। तो जो भी हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल बना, उस हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल को हम कॉस्मिड बोलते हैं, जिसे हम वेक्टर की तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये जो कॉस्मिड्स होते हैं, यहाँ पे इंसर्ट साइज जो होता है वो कितना होता है, तो इंसर्ट साइज कॉस्मिड्स के केस में होता है लगभग 45 KB। अब आप देख सकते हो जैसे जैसे हम एडवांस्ड वेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इंसर्ट साइज भी इंक्रीज हो रहा है, 45 KB। यानी बहुत बड़े डीएनए मॉलिक्यूल्स या बड़ी जीन ऑफ इंटरेस्ट को आप किसी वेक्टर में डालना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये एडवांस्ड वाले वेक्टर्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। वो जो पहले पढ़े हुए वेक्टर्स जो हमने पढ़े, जैसे कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वगैरह, वो नहीं यूज कर सकते हो क्योंकि उनका इंसर्ट साइज कम होता है। अब आप देखोगे कि 45 KB सिर्फ जीन ऑफ इंटरेस्ट का साइज हो गया, तो एक्चुअल में ये वेक्टर कितने साइज का है, तो ये वेक्टर जो होता है ये लगभग 5 KB का होता है। देख लो कितना छोटा वेक्टर है। तो इसके अंदर बहुत सारे रीजन्स नहीं होते, सिर्फ असेंशियल वाले रीजन्स इंसर्टेड हैं बस। तो इतना छोटा इसका साइज है, तभी ये मिला के लगभग 50-55 KB बनेगा। नॉर्मली क्या होता है, जो नॉर्मल साइज होता है एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का, वो 50-55 KB ही होता है। अगर उसे एक सेल के अंदर सरवाइव करना है तो इतना ही साइज होना चाहिए। तो अगर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट बड़े साइज का है तो आपको वेक्टर का साइज घटाना पड़ेगा या ऐसा वेक्टर यूज करना पड़ेगा जिसका साइज एक्चुअल में कम है। तो वैसे ही वेक्टर का यहाँ इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ आप क्या चीज याद करोगे, यहाँ पे आप याद करोगे कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जैसे मैंने बताया ये प्लाज्मिड्स होते हैं, तो प्लाज्मिड्स के इनके अंदर क्या क्या फीचर्स होंगे, सो देयर वुड बी एन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दैट इज ORI, जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होगी, इसकी कॉपीज बनेंगी। देयर वुड बी प्रेजेंस ऑफ सर्टेन साइट्स, कोहेसिव साइट्स, विच आर दी कॉस साइट्स। तो कॉस साइट्स होंगी कहीं पे, ये दोनों कॉस साइट्स हैं। तो कॉस वाली चीज तो हो गई। अब प्लाज्मिड वाला ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आ गया, इसके अलावा एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आ गई, फॉर एग्जांपल एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन आ गई, और एक मल्टीपल क्लोनिंग साइट वाला रीजन आ गया जिसे MCS बोलते हैं। अब ये मल्टीपल क्लोनिंग साइट वाला जो रीजन होता है, ये वो रीजन है जहाँ पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट्स अवेलेबल है, जहाँ से हम कट करके अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, GOI को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये थी कॉस्मिड्स के बारे में बात। समझ आया कॉस्मिड सबको? यस मैम, ठीक है, यस मैम, ताकि इसकी और कॉपीज बन सके। तो ऐसे बहुत सारे डीएनए मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाएंगे, ये जो मैंने आपको बना के दिखाए, ऐसे इनके सिंगल स्ट्रैंड्स, एक आर्टिफिशियल एक नेचुरल, ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे। तीन बना के दिखा रही हूं मैं आपको। तो क्या हो गया, इसकी रेप्लिकेशन हो गई, यानी आपके पास बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कॉपीज आ गई। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कॉपीज हैं, इनमें एक चीज जो नोट करने वाली है वो ये कि हमने जो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज किया था माइनस वाला, वो आर्टिफिशियल था।
तो वो आर्टिफिशियल स्ट्रैंड सिर्फ इसी स्टेज तक सरवाइव कर पाता है, इसके आगे सरवाइव नहीं कर पाता। तो इसके आगे कुछ एंजाइम्स जो होस्ट के अंदर होते हैं वो इस नेगेटिव स्ट्रैंड को डिग्रेड कर देते हैं। तो सिर्फ आपको क्या मिलेगा, सिर्फ ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल्स बनेंगे जिनके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्टेड है, और ये सारे स्ट्रैंड्स प्लस वाले होंगे, नेगेटिव स्ट्रैंड कोई भी नहीं बचेगा। तो आप बोल सकते हो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स न्यू बन रहे हैं वो सारे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो इसका एक ही फीचर होता है, बाकी सब वेक्टर्स की तरह ये डबल स्ट्रैंडेड रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल नहीं बनाता है, ये सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल बनाता है। सिर्फ इतना याद रखना है आपको, जो मेन चीज है वो ये वाली।